मैंने सोचा अंदर तो वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, तो यहीं पे बना लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये है मेरा प्यारा सा सेटअप, स्मार्टफोन, स्टिक और ये है भाई बोया का माइक। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और आज मैं जा रहा हूँ नोएडा, क्योंकि मेरे को ऑफिस बुलाया है। बहुत दिनों से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो अब सर ने बोला कि अब आपको ऑफिस आना है, तो मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। जो वहाँ पे 3 बजे का टाइम है पहुँचने का और 10:30 बजे की मेरी ट्रेन है। अभी जो बज रहे हैं वो है 9:30, तो मिलते हैं आपको स्टेशन पे। बाकी दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:35 और हमारी ट्रेन को आने में भी 10 मिनट है। और भाई मैं स्टेशन पर आ गया हूँ और भाई गर्मी देखिए इस समय कितनी ज़्यादा हो रही है। सुबह सुबह 10:30 बजे हैं और अभी से गाइस इतनी तेज धूप हो गई है। देखिए अभी मैं पहुंच चुका हूँ गाजियाबाद और टाइम हो रहा है 12:20। अब यहाँ से मैं रिक्शा पकड़ूंगा गाइस शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन का, और वो मेट्रो पकड़ूंगा मैं सीधी वहाँ से, आई थिंक वेलकम की पकड़ेंगे, उसके बाद वहाँ से पिंक लाइन और फिर उसके बाद नोएडा। बहुत लंबा सफर है गाइस। बाकी अभी चलते हैं बाहर और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है भाई, पहले कुछ खाते हैं उसके बाद गाइस रिक्शा पकड़ूंगा। गाइस ये है HCL का वॉशरूम और देखिए भाई कितना साफ सुथरा है यहाँ का। मैंने सोचा अंदर तो वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, तो यहीं पे बना लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना क्लियर मिरर है और कितना साफ सुथरा है गाइस। तो गाइस ऑफिस से निकल चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ फाइनली घर, दीदी घर जा रहा हूँ अपनी, क्योंकि अभी ट्रेन नहीं आएगा इस घर जाने के लिए इसलिए। दोस्तों मैं अभी अभी मेट्रो स्टेशन से उतरा हूँ कृष्णा नगर और अपनी दीदी घर जा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है तो वहीं पर रुकूँगा रात को। अंदर HCL में वीडियो अलाउड नहीं थी इसलिए मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन यार आज बहुत ज़्यादा थकी है, 3-3 मेट्रो बननी है वैसे 3-3। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं फाइनली अपनी दीदी घर और यार 3-3 मेट्रो बदल के आ रहा हूँ। ना ट्रेन में सीट मिलती गाइस, ना मेट्रो में मिलती भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना यहाँ पे। सुबह गया था तब भी इतनी भीड़ थी और जब वापसी आएगा इस तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तीनों मेट्रो में मैं खड़े होके आया हूँ भाई, बिल्कुल भी सीट नहीं है यार, पूरी मेट्रो इतनी फुल जाती है, भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे रहते हैं गाइस मेट्रो में, लोकल ट्रेनों की तरह हाल है पूरा मेट्रो का। दीदी घर इसलिए आया था गाइस, यहाँ पे मैं इसलिए आया था क्योंकि भाई ट्रेन नहीं थी, कोई रात को 11:30 बजे थी ट्रेन, तो मैंने सोचा इतनी रात को 11:30 बजे यहाँ दिल्ली से आया तो 2 बजे मुजफ्फरनगर पहुँचूंगा, तो मैंने सोचा सुबह ही चलेंगे। बाकी ऑफिस इसलिए बुलाया था मेरे को क्योंकि भाई कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह दी थी और मैंने ऑफिस में वीडियो बहुत कम बनाई है गाइस, ना के बराबर बनाई है क्योंकि भाई वहाँ पे नया नया हूँ ना अभी, तो अलाउड नहीं है इसलिए वीडियो बनाना। मैंने वैसे आपको दिखा दिया है कि मेरा ऑफिस कैसा है, आपको वॉशरूम भी दिखा दिया है गाइस, वॉशरूम में मैंने जरा सी वीडियो बना ली थी। तो गाइस अब यहाँ से मैं सुबह की ट्रेन पकड़ूंगा और उसके बाद मुजफ्फरनगर जाऊँगा। बाकी दीदी और जीजू गए हुए हैं बाहर, अपनी दीदी घर गए हुए हैं, जीजू अपनी दीदी घर गए हुए हैं और सार्थक आरू जो है वो नीचे खेल रहे हैं गाइस, तो जब वो आएंगे आपको तब उनसे मिलवाता हूँ मैं। गाइस ये है मेरा प्यारा सा सेटअप, स्मार्टफोन, स्टिक और ये है भाई बोया का माइक जो मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था ना अनबॉक्सिंग। गाइस मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, अगर मैं इस माइक को अपने मतलब मुंह के आगे रखता हूँ तो इसकी आवाज़ बढ़िया आती है, अगर मैं सामने से करता हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सामने वाले पर्सन की मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे, तो गाइस इसकी क्वालिटी मतलब आवाज़ इसकी इतनी धीरे आती है ना भाई, लग नहीं रहा ये 1260 रुपये का माइक होगा, तो मैं तो भाई इसको रिटर्न करूँगा और रिप्लेस में, अगर मुझे तो ये लग रहा है मेरे को ये माइक नकली ना मिल गया हो इसलिए क्वालिटी इसकी कम ना आ रही हो, मैं तो भाई इसको रिप्लेस करूँगा। अगर रिप्लेस में भी गाइस मेरे को दोबारा से नकली मिला
तो भाई मैं तो रिफंड ले लूँगा अपना, और फिर कोई दूसरा माइक लूँगा, कॉलर माइक ही लूँगा उस, इस बार है ना छोटी वायर वाला लूँगा। तो गाइस मैंने तो डिनर कर लिया है, जो मम्मी ने मेरे को सुबह दिया था ना साथ के लिए, भाई मैंने तो वही कर लिया घर पे आके, क्योंकि मैं भूल गया था उसको खाना, मैंने सोचा वेस्ट होएगा खाना इसलिए मैंने वही खा लिया था भाई। अब मिलवाते हैं आपको आरू और सार्थक से। ये रही भाई आरू हमारी, हेलो, और ये रहा हमारा सार्थक। ये देख रहे हैं दोनों कुछ नहीं, क्या लग रहा है, बालवीर रिटर्न सीजन 3। गाइस ये मेरा भी फेवरेट था, लेकिन तारक मेहता से पहले। उसके बाद मैंने तारक मेहता धीरे धीरे देखना शुरू किया ना, उसके एपिसोड्स तो मेरे को वो मजा आने लग गया। अब हमारी जो आरू है वो आपको डांस करके दिखाएगी, चलो आपको दिखाता हूँ मैं उसका डांस, करो भाई आरू। जन्म जन्म तेरा, आगे गाना नहीं आता सॉरी। कमांडो से बोलते जैसे मैं बोल रही हूँ, बी क्वाइट, चुप रहो, तो ये कमांडो। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भाई 12:15, 15 मिनट रह गए हैं गाइस 12 बजने में, और मैंने वीडियो एडिटिंग भी अपनी कंप्लीट कर ली है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस मेरा आपको ऑफिस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।